हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए होने वाली है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो जानेंगे कि आपका सेपरेशन क्यों हुआ, इस टाइम पे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या वो आपको कॉल करेंगे, कॉल या मैसेज उनकी तरफ से आएगा। तो एक छोटी सी रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो, और जनरल प्रिडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं भी कर सकती। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बट प्लीज मेंटली प्रिपेयर होकर ही व्हाट्सअप करिए, क्योंकि रीडिंग फ्री नहीं है, पेड है। तो चलिए स्कॉर्पियो, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, एंजल गाइड कीजिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिस पर्सन को माइंड में रख के देख रहे हैं, उनसे इनके रिश्ते में सेपरेशन क्यों आया, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इस टाइम पे आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जी है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। सेवन ऑफ कप, काफी कंफ्यूज हैं आपके पर्सन इस टाइम पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि क्या वो आपको कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, प्लीज यू इनवाइट कीजिए। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो आपका जजमेंट का कार्ड है। अगर आपने सही किया है तो आपके साथ सही होने वाला है, और अगर आप गलत हैं तो गलत ही होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सेपरेशन में जो एक बहुत बड़ा कारण बना वो ये बना कि आप एक मैच्योर एनर्जी में हैं, आपके पर्सन आपसे मैच्योर हो सकते हैं या आप मैच्योर हो सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो बातों को सीधा सपाट कहने का आदि है, उसमें वो किसी भी तरीके का कोई लाग लपेट नहीं करेगा, और उतना ही स्ट्रॉन्ग सीधा सुनने की वो आदत है उनकी। और मुझे लगता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की, कि बिना सोचे समझे एकदम से बातों को कह देंगे वो। अब उसका नतीजा जो है वो कुछ भी हो, एक पैम्परनेस की जो उम्मीद आप उनसे करते हैं, मोस्टली जो होता है रिलेशनशिप में कि कोई मुझे पैम्पर करे, थोड़ा सा सोच समझ के बोले, मेरे को अंडरस्टैंड करे, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पर्सन गलत है, बट इनका थोड़ा रवैया गलत हो सकता है। आप किसी ऐसे मैच्योर सिंगल पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ देखा हो, और जिस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होता है, जिसने बहुत मुश्किल से जिसको सब कुछ मिला होता है, जिसने स्ट्रगल किया होता है, उससे आप उतनी सॉफ्टनेस की उम्मीद नहीं कर सकते। वो पर्सन जो है वो अंदर से इतना डरा हुआ रहता है कि वो बातों को बहुत क्लियर बोलता है और क्लियर ही दूसरे से सुनना चाहता है। तो एक मुझे यहाँ अंडरस्टैंडिंग की कमी लग रही है, थोड़ा सा एकदम से बातों को मुंह पे बोल देना, अपना स्पेस भी ये पर्सन चाहते होंगे। आप अगर सोचते होंगे कि मेरी ये दो बातें मान ले, तो शायद ये नहीं मानते होंगे। अगर इनका मन नहीं है तो ये आपकी बात को नहीं मानेंगे, इनको अपना एक स्पेस मेंटेन करना है। आपको भी स्पेस देते होंगे, ऐसे लोग दूसरों को भी स्पेस देते हैं। तो एक ये मोस्ट मेन जो था वो रीजन रहा कि मैं जो हूँ वो सही हूँ वाली एक फीलिंग आप लोगों के दरमियान रही होगी, जो भी पर्सन है, कि मतलब मैं सही हूँ तो मेरी बात मानी जानी चाहिए। और गलत मैं नहीं कहते ऐसे लोगों को, लेकिन हाँ, एक फसी टाइप के पर्सन आप बोल सकते हैं ऐसे लोगों को, कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप कैसे डील करें, तो एक रीजन रह सकता है। अब देखते हैं कि इस टाइम पे उनकी आपके लिए क्या फीलिंग है। इस टाइम पे भी ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज है, मैं बोल दूं, बहुत सारी चीजों को डील कर रहे हैं एक साथ, और एक्शन कम ले रहे हैं, सोच ज्यादा रहे हैं, एक कंफ्यूजन सा बना हुआ है। ये भी वो भी ऑप्शन भी हो सकते हैं इनके पास, चॉइस हो सकती है इनके पास, करियर, फैमिली, फ्रेंड सर्कल, आपके साथ में अंडरस्टैंडिंग, काफी सारी चीजें जो हैं
इस टाइम पे इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं और क्लैरिटी उतनी नहीं है, तो ये खुद ही इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको आगे क्या करना चाहिए। जो इंसान मल्टीटास्किंग करता है, एक बार में बहुत सारी चीजों के बारे में सोचता है, वो उतना क्लियर नहीं होता है। तो इस टाइम पे मेरे को थोड़ा ऐसे आपके पर्सन जो है कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, जब इनके माइंड में क्लैरिटी होगी तब ही ये आगे बढ़ेंगे। देखिए रिश्ते इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज को, हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है, रिश्ते अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है, फैमिली अपनी जगह है, फ्रेंड सर्कल अपनी जगह है, सोशल कनेक्टिविटी अपनी जगह है। तो हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है, बट इस टाइम पे आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं और मुझे लगता है डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, एक्शन कम ले रहे हैं, सोच ज्यादा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी मिलती है तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या वो आपको कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे? तो यस, मुझे लगता है कि आपको कॉल या टेक्स्ट आ सकता है उनकी तरफ से। अगर आप किसी गुड न्यूज की इंतजार कर रहे थे, एक गुड न्यूज क्या होता है, हमारी मनपसंद बात हो जाए, तो हाँ यस हो सकती है। अगर आप में से कुछ लोग मैरिड पर्सन हैं, तो मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी भी नजर आ रही है। एक गुड न्यूज कह लीजिए, चलो गुड न्यूज आपको मिल सकती है। अगर आप मैसेज चाह रहे थे तो मैसेज आ सकता है उनका, कॉल चाह रहे थे तो कॉल आ सकती है, और एक अच्छा, जिसको आप कहें कि एक ऐसी न्यूज जिससे आपको खुशी मिले, वो हो सकती है। यहाँ पे अब मुझे थोड़ी सी केयर भी नजर आ रही है, थोड़ी सी ग्रोथ नजर आ रही है। जिस भी मामले में आप चाह रहे थे, मुझे यहाँ पे यस होता हुआ नजर आ रहा है, काफी बड़ा वाला यस, यानी कि आगे जो भी होगा वो अच्छा होगा, बेहतर होगा, और आपको उससे खुशी मिलेगी। ये एक ऐसी न्यूज हो सकती है। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी स्कॉर्पियो, आपके साथ कितनी मैच करी प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कितनी मेरी रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर रही है। इसके अलावा रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आई तो न्यू अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें हौसला मिलता है। और पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप पे आपको जानकारी दे दी जाएगी। रीडिंग फ्री नहीं है, पेड है, तो मेंटली प्रिपेयर होकर ही व्हाट्सअप पे आइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।